मैं दो आदमी कल बुलाया था तो ये दो आदमी आ गए हैं। इनमें से एक आदमी को तो आप शायद पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं। इनके घर में लेके गया था, बेड़रा में ध्यान होगा कि मैं भूसा उसा लेने गया था तब इनके घर लेके गया था। ये वही हैं, मिल लीजिए इनसे, मैं मिला देता हूँ। ये लल्लू है, ये आए हुए हैं, एक आदमी को और लेके आ गए हैं। तो आज मैं क्या है, जो ये जगह है, ये वाली जगह, ये पूरा मुझे क्लियर चाहिए। और ये मैं पूरा हिस्सा जो है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि मैंने ये इस यहाँ पास ये जो है तो इसको बंद करवाया। बंद करने के बाद अब ये है कि ये सब पूरा क्लियर करके वहाँ पे सब लकड़ी उकड़ी वगैरह सब एक एकत्रित बढ़िया कायदे से उसको सेट करवा देना है, ताकि बेकार ना लगे, दिखने में भी बेकार ना लगे। और ये जगह क्लियर हो जाएगी तो इसमें मैं क्या है, थोड़ा अगला मेरा कुछ काम है कि मैं यहाँ पे करूँगा और कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट टाइप से तैयार करूँगा यहाँ पे कुछ मेरा। अभी देखिए वो सब बात ब्लॉग में मैं दिखाता जाऊँगा आगे क्या क्या होता है। और अभी ये कंस्ट्रक्शन है, अभी चालू है, अभी काम चालू है, अभी इसमें धीरे धीरे काम, इन खपड़ों को भी हटाना पड़ेगा, ये लकड़ी है इनका काट के वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ये घास यहाँ पे ज़मीन पे, ये घास बहुत सारी, ये घास जो है ये उगाई हुई है तो इनको भी छिलवा रहा हूँ ताकि ये सब सारी घास हट जाए यहाँ से। ये घास हट जाएगी तो क्या है कि ये जगह पूरी ये एकदम क्लीन नज़र आ जाए, पूरा साफ़ हो जाए। इसमें कुछ सब्जी वगैरह भी लगा सकते हैं, प्लस ये जगह स्पेस बच जाएगा। तो कहीं कुछ भी है, गाड़ी भी खड़ी करनी है अगर, तो क्या है कि साफ़ सुथरा रहेगा, थोड़ा ठीक लगेगा। क्या है, जानवर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े यहाँ पे क्या है अभी तो होंगे, क्योंकि बरसात लगी हुई थी, बरसात में बहुत ज़्यादा पानी गिरा था। तो पानी की वजह से क्या है कि यहाँ पर ये बहुत छोड़ दिया गया था इस जगह को कि भाई पड़े रहने दो, बरसात जब हट जाएगी तभी इसको साफ़ किया जाएगा। बरसात में क्या है, बहुत सारी झाड़ी झंकाड़ी जम उगाई थी तो इस वजह से मैंने काम को नहीं स्टार्ट किया। अब क्या है, थोड़ा मौसम सही हो गया है, पानी अभी गिर नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है कि भाई इसको साफ़ करवा दिया जाए तो थोड़ा जगह अच्छी हो जाए। अब मैं जाऊंगा, थोड़ा जाके पता करूंगा रेलवे तिराहे में। रेलवे तिराहे में क्या है, थोड़ा मुझे जाना है वहाँ पे, अपना सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो सिलेंडर को पता करूँगा, सिलेंडर का क्या स्थिति है, सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सिलेंडर के विषय में पता कर लूँ। और उसके बाद मैं मिलता हूँ। कल मैं जो ब्लॉग में डाला था तो उसमें मेरी बच्चिया जो गायब हो गई थी तो वो आ गई है, अब वो मिल गई है मुझे। फिर यानी वीडियो जैसे ही मैंने एंड किया है उसी के जस्ट बाद एक जगह मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे हो सकती है, तो मैं जाके देखा तो मिल गई मुझे वहाँ पर। वो आपको दिख रही होगी, वो वहाँ पर बैठी हुई है। ये बड़ी बाउंड्री है, ये पूरा स्पेस जो है, तो मैं इसको चाहता हूँ ये पूरा खाली हो जाए, तो मेरा यही भाई कुछ ना कुछ तो इससे काम हो इस पर, तो इसलिए मैंने इस पर काम लगा दिया है। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सिलेंडर का पता करने, सिलेंडर देख लेता हूँ मिल जाता है कि नहीं मिलता है, क्या स्थिति कैसी है, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तब तक लौट के आएँगे, तब तक देखेंगे काम कितना हो गया है, काम भी चलता रहेगा तब तक। यहाँ ये लोग काम स्टार्ट रखेंगे, मैं आता हूँ। फ्रेंड्स ये मैं दूसरे दिन का सीन दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सारा कुछ खाली हो गया है, ये कल भरा हुआ था, ये यहाँ पे खूब सारा कचरा उचड़ा रखा था, लकड़ियाँ वगैरह रखी थी, वो लकड़ियाँ मैंने उधर पे रखवा दी है, वो लकड़ियाँ हैं तो मैंने एक तरफ रखवा दिया है, वो किनारे साइड में क्या है उधर पड़ी रहेगी। ये जगह मेरी खाली हो गई, ये जगह मैं खाली चाहता था, क्योंकि इस पर इसी पर मुझे ये जगह, जैसे ये टंकी के बगल में ये पूरा जगह खाली हो गई, और इस पर अब मैं कुछ ना कुछ करवाऊंगा। ये सारी जगह, ये मेरी पूरी बाउंड्री जो है, जो भी है, ये बाउंड्री के अंदर ये पूरा सब कुछ खाली है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अभी सुबह के लगभग 7 बजे है, ठंडी का टाइम है, अभी कोहरा अच्छे ढंग से गया भी नहीं है। कोहरा आप देखिए, ये देखिए आप इधर साइड में, ये कोहरा अभी पड़ा हुआ है। ये मेरे घर के पास का सीन भी कुछ अलग ही होता है। सुबह सुबह ठंडी में अगर आप आते हैं तो आपको ये देखिए
बहुत कुछ काम मैंने करवा दिया है। ये यहाँ सामने वो जो बड़े बड़े पत्ते टाइप के थे उसको भी मैंने क्लियर कर दिया, और मैं सुबह में कहा कि मैंने दिखा दिया जाए क्योंकि मैंने काम को क्लियर कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से सामने भी हुआ आता है, एकदम क्लियर कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है पूरा। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं एक इसे या तो मैं यहाँ पूरा गिट्टी या सीमेंट डलवा के इसको एकदम लेवल करवा दूँ, जैसे ये है, जैसे ये नीचे देख रहे हैं आप ये लेवल हो गया है, वैसे ही मैं सोचता हूँ या तो उसको ऐसे करवा दिया जाए, या तो अगर अभी तत्काल में नहीं करते तत्काल में अभी ये ऐसा ही रहेगा और बाद में मैं इसको गिट्टी या सीमेंट से एकदम लेवल करवा दूँगा ताकि यहाँ पर घास ना उगे और ये कचड़ा ना हो। ये एक और रूम है, ये जो दरवाज़ा है ये एकदम से बाहर निकल जाता है, यहाँ से खड़े होकर आप रोड का व्यू देख सकते हैं, पूरा रोड का व्यू नज़र आएगा। बड़ा दरवाज़ा है, ये बड़ा दरवाज़ा है, इसको खोल देते हैं तो ये पूरा व्यू सामने का नज़र आएगा। मैंने कल आज फिर वो लड़के आ गए हैं तो उनको मैंने अभी बता दिया है, वो सीमेंट अब मिलाएंगे, सीमेंट मिलाने के बाद मैंने कल उनसे कुछ काम करवाया है, वो काम मैं अभी आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। उसी का क्या है, उसी को भरवाना है। ये पाइप लगी हुई है, ये पाइप लगी हुई है, ये गड्ढे हो गए हैं, ये यहाँ पे खुदाई की गई थी, उसके बाद ये पाइप को क्या है कि दो पाइप है, ये दोनों पाइप को लगाया गया है, इसके इन्हीं गड्ढों को भरने के लिए सीमेंट। ये एक पाइप यहाँ भी, ये यहाँ पे भी लकड़ी लगी हुई थी, इसको मैंने बदल दिया है, तो ये यहाँ पे पाइप लगा दिए हैं, ये यहाँ पे गड्ढा हो गया, इसी गड्ढे को भरना है, इसको पाइप कर देना है ताकि लेवल हो जाए। ये सीमेंट का मिक्सर तैयार हो रहा है, सीमेंट का मिक्स पानी डाल दिए हैं अब इसमें, अब ये सीमेंट मिक्स तैयार हो जाए उसके बाद ये दोनों आ गए हैं, ये लल्लू भी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ इधर उधर ढोने में। इस लकड़ी को बदलना है, इसके लिए एक पाइप लेके आना है, इस पाइप को भी यहाँ पे सेट करना है, ये आज का काम होगा फिलहाल। तो जी फाइनली ये हमने ये पाइप को बदल दिया है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब सारे पाइप ही लगे हुए हैं, अब ये सारी बल्दियाँ जो है हम सब निकाल दिए हैं और ये फाइनली ये पाइप बदल गया है, ये पाइप और वो पाइप दोनों सब आगे बदल दिए हैं, अंदर का भी हो गया है। ये मैं देख लो, ये लोग अभी लगे हुए हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं, लगातार कंटिन्यू काम पे लगे हुए हैं। ये यहाँ पे अभी ये में तो ये यहाँ पे ये कुछ झाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये बरसात में हो जाता है सर। ये बगल में आप देखेंगे तो ये घर, मेरे घर के बगल की पहाड़ी है, ये पहाड़ी एक ऊंची पहाड़ी है, ये जस्ट एकदम मेरे घर के बगल से ही है, ये मेरा घर है और ये पहाड़ी है। ये लोग यहाँ पे साफ कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी कचरा हो गया था बरसात के चलते, एक दिन मैंने और भी साफ किया था, ये यहाँ पे काफ़ी कुछ कचरा था तो मैंने यहाँ पे साफ करके जला दिया था, मगर अभी अच्छे से ये झाड़ियाँ बहुत थी, झाड़ियाँ काटते नहीं बनी तो मुझे लगा कि ये बुला के कटवाना चाहिए। ये लगे हुए हैं, काट रहे हैं, एक कट जाएगा तभी साफ सफाई बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ सांप बिच्छू हो सकते हैं। और कल ही मैंने वहाँ पे बताया था ना, मैंने उस ब्लॉग में शायद मैंने बताया था कि बहुत मोटा सांप मेरे को देखने के लिए मिला था वहाँ पे पार्क के पास, जहाँ पे मैं अक्सर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वहीं पर मेरे को काफ़ी मोटा सांप देखने के लिए मिला था। तो मुझे भी ऐसा लगा कहीं वो सांप इधर ना आ जाए, कि पता चले ये यहाँ पे ये झाड़ी झाड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे सांप वो आ जाए, तो इसलिए झाड़ी वाड़ी यहाँ का कटना अति आवश्यक है, क्योंकि वो सांप काफ़ी मोटा है और बहुत ही लंबा है, यानी कि अगर कोशिश करेगा तो वो एक आदमी को भी निगल सकता है,
इतना बड़ा था। तो मैंने अलर्ट का मोड पे डाल दिया है लोगों को कि ये इस क्षेत्र पे वो सांप आ गया है, तो आप लोग अलर्ट मोड पे रहना, क्योंकि उसे मैंने पहली बार देखा है। क्या है, जो भी यहाँ जीव जंतु रहते हैं उन्हें आदमी एक आध बार अगर देख लेता है तो पहचान जाता है कि हाँ वही हो सकता है, मगर वो उसे पहली बार देखा है। वो पहली बार इस क्षेत्र पे आया हुआ है अभी। अब देखो क्या नुकसान पहुँचाता है या नहीं पहुँचाता है, नुकसान हुआ वैसे ही लौट जाता है, ये आगे देखेंगे कैसा भी हो। तो फ्रेंड्स, जैस मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसका वेल नोटिफिकेशन आपको अगर मिलता रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, मेरी अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन कर दें। लाइक ज़रूर कर दें, उससे क्या है मोटिवेशन मिलता रहता है और पता चलता रहता है कि स्थिति क्या है वीडियोज़ की, एक्चुअल कैसे वीडियोज़ पसंद करते हैं लोग या कैसे क्या है, तो इससे पता चलता रहता है। तो चलता हूँ मैं पुष्कर शुक्ला, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।